पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। महेंद्र को ऐसे बिना कहे मुझे नहीं भागना चाहिए। खामखा गैर हाजिर रहकर आयुषी मैडम का केस और स्ट्रोक कर देगा वो। उलाड़ी मार लेगा अपने भाव में। हाँ मम्मी, उन्हें कैसे भी वापस लाना होगा। अरे फोन उठाए तब तो सत्य सब पहुंचाए ना उसके पास। वो तो गोलू का फोन आ गया तो पता चल गया तुम्हारे अहमदाबाद जा रहे। और जुगल लेट हो गए, बस निकल गई। माँ बस को अहमदाबाद पहुंचने में काफी टाइम है, हम में से कोई फ्लाइट पकड़ कर आज रात को वहीं पहुंच जाए और सुबह सुबह बस स्टॉप पर महेंद्र काका के उतरते ही उन्हें समझा बुझा कर वापस ले आए तो। पायलट पायलट चढ़ा लोट, ये सही आइडिया दिया तूने दीप्ति। हे अश्विन, हमने पता किया था, क्या नाम था, रवि सर ट्रेवल की बस से गए हैं दोनों। वो पालड़ी गांव के आगे ना सारी बाहर गांव की बसें वहीं पर रुकती हैं, उस स्टॉप पर मिल सकते हैं दोनों शायद। दोनों बस आखिरी स्टॉप पर उतरना चाहिए। ये उतना चांस तो लेना पड़ेगा, फिलहाल उसको ढूंढने का इससे अच्छा रास्ता नहीं है। हाँ दीप्ति, अहमदाबाद की अर्लीस्ट फ्लाइट कौन सी पता करता है। सही आइडिया बताया दीप्ति ने, बस बप्पा मिल जाए दोनों ना सब गड़बड़ हो जाएगी। मम्मी मैं जानती हूँ तो टेंशन में है, लेकिन मुझे वो स्टॉकर के बारे में कुछ बात करनी है। बोलना बेटा, क्या हुआ? चिराग, क्या हुआ? सर मेरी बहन राशि पटेल MS कॉलेज में पढ़ती है। मेरा बेटा दुष्यंत भी उसी कॉलेज में पढ़ता है। कितनी भी ऊपर बात कर लो कुछ नहीं होगा। You can't find me, but I'm always around you. सर अभी उसने ये मैसेज किया। सर उसे ये भी पता है कि मैटर ऊपर तक चला गया है, कि मैं आपके पास राशि के मैटर में बात करने आया हूँ। मनोज सर के कहने पे MLA जगताप सर की सिफारिश लेने गया था और पता चला कि उन्हीं का बेटा। मम्मी हमें मनोज सर से बात करनी चाहिए कि इस मामले में आगे क्या करना है। हाँ। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है सर, कोई ठोस सबूत नहीं है पर शक 100% बनता है उस पे। और ये बात सिर्फ राशि की नहीं है मनोज जी, उन सभी लड़कियों की है जो ऐसे लड़कों के हाथों परेशान होती है। पुष्पा जी, लड़के अक्सर ऐसी हरकत बदला लेने की भावना या तो फिर ईगो को चोट पहुंचने के कारण करते हैं। राशि, कोई ऐसा हादसा जो तुम्हारे कॉलेज में हुआ है जिसके कारण दुष्यंत को प्रॉब्लम हुई हो? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ हुआ हो ऐसा मेरे ध्यान में तो नहीं है। हम कल्प्रिट को अक्सर चार के पूछते हैं, कौन, क्यों, कैसे और कब। कौन? तो ये लड़का दुष्यंत है। वो ये सब क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। सर शक के बिना पर हम उसे बुलाकर पूछताछ नहीं कर सकते? चिराग, वो लोकल MLA का बेटा है, आम लोगों में काफी पॉपुलर है, पावरफुल भी है। बिना सबूत के आरोप लगाने का मतलब बैकफायर हो सकता है। राशि सामान्य नागरिक की बेटी है मनोज जी, लेकिन उससे उसकी तबलीग सामान्य नहीं हो जाती। पुष्पा जी, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये एक सेंसिटिव मैटर है, हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। कल को वो लड़का अगर राशि के खिलाफ कंप्लेंट कर दे कि राशि उसे परेशान कर रही है, हैरेस कर रही है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी, फिर देखते हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल, चलते। थैंक यू सर। ठीक है चला। मम्मी, ओके भाई, मैं मम्मी को बता देता हूँ। क्या हुआ? मम्मी, अश्विन भाई और भास्कर दादा आज रात की फ्लाइट से अहमदाबाद के लिए निकल रहे हैं, उनकी टिकट्स बुक हो गई है। हस, किसी तरह दोनों महेंद्र को मनाकर वापस ले आए। एक बार महेंद्र वापस आ गए ना तो कम से कम वो एक टेंशन तो दूर होगी। और राशि, तू भी बेटा याद करने की कोशिश कर, कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ था क्या जिसकी वजह से ये लड़का हाथ धोकर तेरे पीछे पड़ गया है?
दुष्यंत से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी कॉलेज में। I don't even know him। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मेरे कॉलेज का है। अगर हम मिले होंगे तो किसी इवेंट में, वो भी एज अ स्ट्रेंजर्स। राशि, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग दुष्यंत पर गलत शक कर रहे हैं? नहीं चिरा, हमारा शक बेबुनियाद नहीं है। बस ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो वो ये सब कर रहा है मेरे साथ। वो रीजन मिल जाए ना तो कुछ लॉजिक समझे। बोल ब्रो, क्या हुआ? क्या आफत आ गई? घोड़े पर क्यों बुलाया अचानक? अरे यार, थोड़ा सा वो लोचा हो गया। लोचा? तू बस अपनी जुबान बंद रखना, खासतौर से वो चैलेंज वाले मामले में। चैलेंज? अरे यार, तू भूल गया? मुझे भी नहीं बताया तूने, देखो भी नहीं बोला ना इसने। ऐसा है यार, हे दुष्यंत, ये क्या कर रहा है? दो चांस दिए थे तुम्हें, दोनों में हार गए। मुंह तो काला करवाना पड़ेगा ना। यस भाई, मुंह तो काला करवाना ही पड़ेगा। हाँ भाई, शर्ट तो यही लगी थी, अब तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा। दुष्यंत, एक बात याद रखना, एक दिन तेरा नंबर भी आएगा। दुष्यंत का नंबर कभी नहीं आएगा, क्योंकि दुष्यंत ना कभी किसी से हारता नहीं है। तो ठीक है, चल एक और शर्त लगाते हैं, 5,000 की। दो चांसेस तू भी लेना, देखते हैं दुष्यंत में कितना दम है। ठीक है, डन। बोल क्या करना है? कॉलेज में नया एडमिशन है, गुड लुकिंग गर्ल है, सुपर डांसर है, रील्स भी बनाती है, फॉलोअर्स भी तगड़े, राशि पटेल नाम है उसका। उसे इंप्रेस कर, उसे अपनी बात मनवा के दिखा दे। अगर तू जीता तो मैं तुझे 5,000 दूंगा और यही इंक अपने चेहरे पे लगाने दूंगा, पर अगर तू हार गया तो तू मुझे 5,000 देगा और यही इंक मैं तेरे चेहरे पे लगाऊंगा। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। इधरा, तू ही इधरा। सुन, वो लड़की दिख रही है, ब्लू टॉप और ब्लैक जीन्स में, राशि पटेल नाम है उसका। उसके पास जा और ये गिफ्ट दे, और उसको बोलना कि सारे सीनियर्स न्यू एडमिशंस को ऐसे गिफ्ट देते हैं। एक्सक्यूज मी, सीनियर की तरफ से जूनियर के लिए परफ्यूम गिफ्ट भेजा है। जूनियर्स तो ये सब भी है, तो फिर मैं ही क्यों? आप ये गिफ्ट ले जाइए, मुझे ये नहीं चाहिए। बात तो सही है, सिर्फ तुझे ही क्यों? तुम दोनों कमाल हो सच्ची, बैठे बैठे फ्री में परफ्यूम मिल रहा था, ले लेना चाहिए था ना। मेरी मम्मी कहती है देयर इज नो फ्री लंच इन वर्ल्ड। कुछ भी चीजें फ्री नहीं होती है दुनिया में, कभी ना कभी उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। और कौन है ये सीनियर जिसने सिर्फ मुझे ही गिफ्ट भेजा? क्या है पर्पस इसके पीछे? वी डोंट नो। And we should avoid such temptations. Bloody hell! पहली बार ऐसा हुआ है कि दुष्यंत का गिफ्ट किसी ने ठुकराया है। लगता है राशि पटेल दुष्यंत के चेहरे पे इंक लगवा के ही रहेगी। क्या दुष्यंत, क्या कह रहा था तू? तू किसी से कुछ भी करवा सकता है? लास्ट चांस बचा है अभी। Just wait and watch. You dance so well. No wonder you have so many followers. अगर तुम ये लिंक पर क्लिक करोगे तो instantly तुम्हारे 1,00,000 followers बढ़ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्स अक्सर लड़कियों को पिघला देते हैं, और ऊपर से 1,00,000 सब्सक्राइबर्स का लालच, शी कांट रिफ्यूज इट, 100% क्लिक करेगी। और जैसे क्लिक करेगी उसके फोन में एक मैसेज पॉपअप होगा, आई लव यू।
That would be the real game. तब देखना उसका चेहरा. देखने लायक होगा गाइज. राशि लगता है तेरे रील्स धमाल मचा रहे. इंस्टेंट 1 लाख फॉलोअर्स. वाओ क्लिक कर दे. नहीं ये कोई फ्रॉड भी हो सकता है. जब तक मुझे सोर्स ना पता हो या फिर मैं उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं ये सब चीजें अवॉइड करती हूँ. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें.